जा रही है इसराइल के अश्केलोन से। एक बार फिर वहां हमास ने रॉकेटों की बरसात कर दी। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दनादन रॉकेट हमले हुए। खबर है कि हमास की तरफ से तेल अवीव और अश्केलोन पर एक बार फिर हवाई हमले किए गए। हालांकि इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि इनमें ज्यादातर रॉकेट को मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही तबाह कर दिया। लेकिन इन रॉकेट हमलों से वहां खलबली मच गई, क्योंकि इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमास की तरफ से इतने रॉकेट दागे गए जिसे देखकर ऐसा लगा मानो आसमान के रास्ते तबाही आ रही है। हालांकि इसराइल के मुताबिक हमास की तरफ से दागे इनमें कई रॉकेटों को उसके महाशक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। बताया गया कि हमास ने वहां तेल अवीव और अश्केलोन में जोरदार रॉकेट हमले किए। दावा तो ये भी किया गया कि हमास ने वहां एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी और जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके। उधर इसराइल की सेना पिछले कुछ दिनों से लगातार दावा कर रही है कि गाजा पर जमीनी इससे सवाल उठने लगा कि इसराइल की सेना गाजा पर जमीनी हमला करने में देर क्यों कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गाजा के करीब इसराइल की सेना के सैकड़ों टैंक देखे गए थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही इसराइल ने अपनी फौज को भी गाजा पट्टी के करीब तैनात कर दिया था। इसके अलावा इसराइल की सेना जमीनी हमले से पहले फिलिस्तीनियों को गाजा खाली करने के लिए भी कई बार बोल चुकी है और उसकी सेना पिछले कई दिनों से दावा कर रही है कि वो गाजा पर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक इसराइल की सेना ने गाजा पर जमीनी हमला किया नहीं है। वो गाजा में दावा किया कि गाजा पर इसराइल की सेना के जमीनी हमले में देरी के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिनमें वेस्ट बैंक की तरफ से इसराइल पर हिजबुल्ला के हमले का खतरा भी शामिल है, क्योंकि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला भी इसराइल को उत्तर की तरफ से हमला करने की धमकी दे चुका है। इसराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पर जमीनी हमले की चेतावनी देने के बाद ही हिजबुल्ला ने उसे हमले की धमकी दी। शायद इसी वजह से इसराइल की सेना जमीनी हमले की तैयारी पूरी होने के बाद भी गाजा पर हमला नहीं कर रही है, क्योंकि हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से हमले की फिराक में। इसराइल की मीडिया के मुताबिक हमलों में देरी के पीछे दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इसराइल की सेना हिजबुल्ला की उस धमकी को परखना चाहती है कि वो गाजा पर हमले किए बिना भी उन पर हमला कर सकता है कि नहीं। इस बीच हमास से निपटने के लिए इसराइल ने अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। इसराइल की सेना ने एक वीडियो जारी कर अपनी सेना की तैयारी को दिखाया है, जिसमें उसके ताकतवर टैंक और खतरनाक हथियार नजर आए। इसराइल की सेना के मुताबिक उसकी सेना की टुकड़ी ने खास तौर पर हमास के आतंकियों से निपटने के लिए स्पेशल प्रैक्टिस की। इस दौरान वहां मौजूद सैनिक टैंकों से निकलकर दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ते नजर आए। इसके बाद वो रेत के बंकरों के पीछे छिप गए और वहां से दुश्मन पर गोलियां बरसाने की ट्रेनिंग लेते। इसराइल की सेना ने जानकारी दी कि वो इन सैनिकों को मुश्किल हालात से निपटने के लिए तैयार कर रही है, ताकि अगर हमास से जारी जंग में इनकी जरूरत पड़े तो उसके पास सैनिकों की कमी ना हो पाए।